हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज हम लोग हमारी जो इंग्लिश की बुक है बटरफ्लाई, उसका जो सिक्स्थ लेसन है, ठीक है, द क्लेवर मंकी, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्लेवर वर्ड का मतलब क्या होता है? चालाक, ठीक है, जो बहुत ही चतुर होता है। क्लेवर यानी चालाक, ठीक है। और मंकी का मतलब आपको पता ही है, बंदर। ये कहानी है एक्चुअली में एक चालाक बंदर के बारे में। ओके, आइए पढ़ते हैं। टेल योर पार्टनर द, यहां देखिए जी, टेल योर पार्टनर टू द नेम ऑफ द स्टोरी इन विच एनिमल्स और बर्ड्स अपेयर एज ए कैरेक्टर्स। कह रहा है कि अपना जो तुम्हारे जो पार्टनर है, पार्टनर यानी साथी, तुम्हारे जो साथी हैं उनको इस स्टोरी का नेम बताओ जिसमें क्या है, एनिमल्स है यानी जानवर, और बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षी, अपेयर का मतलब होता है प्रस्तुत होना, प्रस्तुत हुए हैं एज ए कैरेक्टर, पात्र के रूप में। ठीक है, हर कहानी में अलग अलग पात्र होते हैं, कभी इंसान होते हैं, कभी जानवर होते हैं। यहां पर कहा गया है कि अपने पार्टनर को इस स्टोरी का नाम बताओ जिसमें कि एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं वह एज ए कैरेक्टर के रूप में, एज ए एक पात्र के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्या है, देखिए, लुक एट द पिक्चर बिलो। ये जो नीचे, बिलो यानी नीचे, ठीक है, नीचे जो चित्र दिया हुआ है उसे देखो। कैन यू गेस व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट? क्या तुम गेस कर सकते हो स्टोरी किसके विषय में है? तो अगर आप ये चित्र देखो तो इस चित्र में आप क्या देख रहे हो, एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ है और दूसरा बंदर है। तो डेफिनेटली ये स्टोरी जो है वो मंकी और क्रोकोडाइल के बारे में है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यस द स्टोरी इज ऑल अबाउट द, आप इसका आंसर जो है ना यहाँ लिख लो, एक मिनट, ये जो है इस वाले का आंसर यहाँ लिख रहे थे, यस द स्टोरी इज All about the monkey and crocodile. Crocodile, D-I-L-E, crocodile, ठीक है, मगरमच्छ। ओके, चलिए लेट्स रीड, पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग इस कहानी को। ठीक है, देखिए। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, टाइम यानी समय, एक समय की बात है। देयर लिव्ड, लिव्ड यानी रहना, ठीक है, एक समय की बात है, क्या रहता था, एक मंकी, ठीक है, लिव्ड यानी रहना, मंकी यानी बंदर, ऑन अ बैंक, बैंक यानी किनारा, ऑफ ए रिवर, रिवर यानी नदी। तो एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक मंकी यानी कि बंदर रहता था। राइट इन द मिडिल, मिडिल यानी बीच में, राइट इन मिडिल, MIDDLE, मिडिल यानी बीच में, राइट इन मिडिल ऑफ द रिवर देयर वॉज ए स्मॉल आईलैंड विथ मैनी फ्रूट ट्रीज। क्या कह रहा है कि बिल्कुल नदी के बीच में एक छोटा सा, स्मॉल यानी छोटा सा, एक आईलैंड था, ठीक है, आईलैंड यानी द्वीप, ठीक है, एक छोटा सा द्वीप था जिस पर बहुत सारे क्या थे, फ्रूट्स थे, फ्रूट वाले फल थे, ट्री थे, ठीक है, फलों वाले पेड़ थे, ठीक है, स्वीट यानी मीठे, मीठा, एंड जूसी, ए यू सी वाई, जूसी यानी रस भरा, ठीक है, फ्रूट्स ग्रीव ऑन द ट्री, उस पेड़ पर बहुत ही मीठा और रसदार फल उगता था। डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी,
थोड़ी दूरी पर डिस्टेंस यानी दूरी, थोड़ी दूरी पर फ्रॉम द बैंक, नदी के किनारे से थोड़ी दूरी पर देयर वॉज ए ह्यूज रॉक इन द रिवर, नदी के बीच में एक बहुत बड़ा ह्यूज यानी बड़ा, ठीक है, ह्यूज यानी बड़ा, रॉक यानी चट्टान, ठीक है। क्या कह रहा है कि एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द बैंक देयर वॉज ए ह्यूज रॉक इन द रिवर, नदी के किनारे की थोड़ी सी दूरी पर नदी के बीच में, ठीक है, एक बहुत बड़ा चट्टान था। अ पार्ट ऑफ इट वॉज अबव वाटर, अबव यानी ऊपर, उसका एक भाग, पार्ट यानी भाग, उसका एक भाग जो था वो पानी से ऊपर था। वन डे अट्रैक्टेड बाई द डिलीशियस फ्रूट द मंकी जम्प टू रीच द रॉक एंड फ्रॉम देयर लिप्ट ऑन टू द आईलैंड। क्या कह रहा है, उस रसदार फलों से आकर्षित होकर, अट्रैक्टेड का मतलब होता है आकर्षित, आकर्षित, ठीक है, आकर्षित होकर डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, ठीक है, उस स्वादिष्ट फलों से आकर्षित होकर क्या हुआ, मंकी जो है जंप किया इस पर, टू रीच द रॉक, उस चट्टान पर पहुंच गया, कूदा और कूद कर चट्टान पर पहुंच गया, एंड फ्रॉम देयर, और फिर उस चट्टान से कूद कर जो है वो उस आइलैंड पर पहुंच गया जहां पर बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लगे हुए थे, ठीक है। ये देखते हैं, ओके, चलिए, नॉट सो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यानी मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही सेड टू हिमसेल्फ, जब बंदर उस आइलैंड पर पहुंच गया तो कहा कि वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सून ही वॉज इंजॉइंग द स्वीट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, जल्द ही वो क्या हो गया, मजे लेने लगा, ठीक है, मजे मजे लेने लगा उन स्वादिष्ट फलों का, ठीक है, जो कि पेड़ पे लगे हुए थे। देयर वॉज हार्डली, हार्डली यानी कठिनाई से, एनी अदर एनिमल देयर, अदर यानी दूसरा, बहुत ही मुश्किल से वहां पर कोई दूसरा जानवर था, यानी वहां पर कोई दूसरा जानवर था नहीं, तो ही वॉज इन नो डेंजर, डेंजर यानी खतरा, इसलिए उसको किसी दूसरे जानवर से क्या था, खतरा नहीं था। Hence, इसलिए the monkey decided, monkey ने निश्चय किया, क्या निश्चय किया, to visit the island every day, कि वो प्रतिदिन उस island पर जाएगा, every day यानी हर दिन, ठीक है, हर दिन जो है वो उस island पर जाएगा, क्या करने, फल खाने, क्योंकि उस island पे जो पेड़ थे वो बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे उस पर, ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द फार, फार यानी दूरी पर, ऑन द फार बैंक ऑफ द रिवर अ बिग क्रोकोडाइल, बिग यानी बड़ा, ठीक है, एक बड़ा क्रोकोडाइल रहता था यानी कि मगरमच्छ, लिव्ड विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ रहता था। थोड़ी दूरी पर, नदी से थोड़ा सा और दूर पर क्या था, एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वन डे, एक दिन, ही नोटिस्ड, उसने यह चीज देखा, दैट मंकी, जो बंदर है, क्रॉसिंग द रिवर इन हिज यूनिक वे, क्रॉसिंग यानी पार करना, ठीक है, नदी को पार कर रहा है अपनी ही एक अनोखे तरीके से, यूनिक यानी अनोखा, ठीक है, वे यानी तरीका, अपने ही अनोखे तरीके से वो जो है उसको पार कर रहा है। He told his wife, उसने अपनी पत्नी को कहा, Did you see him? क्या तुमने उसे देखा? Let's catch him tomorrow. Catch यानी पकड़ना, चलो कल उसको पकड़ते हैं, ठीक है, tomorrow यानी आने वाला कल।
खाने वाला फल. नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह हाउएवर द क्रोकोडाइल फाउंड दैट कैचिंग द मंकी वाज नॉट इजी. अगले दिन मंकी जो क्रोकोडाइल रहता है वो क्या देखता है कि बंदर को पकड़ना जो है वो इजी नहीं है, यानी आसान नहीं है. द मंकी लैंडेड यानी उतरता था, ठीक है, लैंडेड ऑन द रॉक, चट्टान पर उतरता था. एंड इन ए फ्लश यानी झट से जंप ऑफ कूद जाता था ऑन टू द आइलैंड के ऊपर. यानी वो क्या करता था, वो जो था अपनी जगह से चट्टान पे कूदता, ठीक है, चट्टान पे कूदता, ये नदी है आपकी, चट्टान पे कूदता और कूद कर तुरंत जो है वो आइलैंड पर पहुंच जाता जिस पर क्या था, सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए थे, है ना. हाइडिंग बिहाइंड द रॉक, हाइडिंग यानी छिपकर, बिहाइंड यानी पीछे, रॉक यानी चट्टान. द क्रोकोडाइल कुड ओनली वॉच हिम, क्रोकोडाइल केवल उसे, ओनली यानी केवल देख सके. क्रोकोडाइल कुड ओनली वॉच यानी देख सकता था. ही रिटर्न यानी वापस आना. ही रिटर्न्ड होम, घर वापस आ गया विदाउट हिज कैच, बिना उसको पकड़े. जो क्रोकोडाइल था वो बिना मगरमच्छ को पकड़े घर वापस आ गया. डे वेंट बाय, दिन इसी तरह चला गया. द क्रोकोडाइल थॉट यानी सोचा, ठीक है, विचार किया. ऑफ मेनी प्लांट्स, क्रोकोडाइल ने बहुत सारी प्लांट्स यानी कि योजना बनाई, ठीक है, टू कैच द मंकी, मंकी को पकड़ने के लिए. बट नथिंग वर्क, मगर कोई भी काम नहीं आया. द मंकी ऑलवेज एस्केप, जो बंदर था वो हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा जो था वो एस्केप्ड का मतलब होता है भाग जाता था, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, देख लीजिएगा. escaped escaped यानी भाग जाना, ठीक है. तो जो मंकी था वो हमेशा भाग जाता था फ्रॉम हिज क्लचेस यानी चंगुल से, क्लचेस यानी चंगुल, ठीक है. तो मंकी जो था वो हमेशा क्रोकोडाइल के चंगुल से भाग जाता था. वन डे, एक दिन, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बोली, यू हैव फेल्ड टू कैच द मंकी, तुम बंदर को पकड़ने में असफल हो जा रहे हो. बट आई रियली वॉन्ट टू टेस्ट हिज स्वीट फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है मांस, ठीक है, स्वीट यानी मीठा. लेकिन उसकी पत्नी कहती है, लेकिन मैं सच में, रियली यानी सच में चाहती हूँ उसके मीठे मांस को खाना, स्वाद लेना. तो दिस टाइम, तो इस बार यू मस्ट फॉलो माई प्लान, तुम मेरी योजना का अनुसरण करो. प्लान यानी योजना और फॉलो यानी अनुसरण या फिर पालन करना, ठीक है. तुम इस बार मेरी योजना को पालन करो, ठीक है. द क्रोकोडाइल सेड, मगरमच्छ बोला, राइट, ठीक है, टेल मी द प्लान देन, ठीक है, तब अपनी योजना बताओ, क्या योजना बनाई हो तुम. तो बोलती है, द मंकी जंप्ड ऑन द बिग रॉक इन द रिवर, जो बंदर है वो बड़े से चट्टान पे कूदता है. चट दवाई, पत्नी बोली, यू मस्ट लाई यानी सोना, ठीक है, स्टिल मन एकदम निश्चिल, बिना हिले डुले, ठीक है, स्टिल का मतलब बिना हिले डुले, ठीक है, ऑन द रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर. व्हेन ही जंप्स, जब वो कूदेगा, अपॉन यू, तुम पर, जब वो तुम पर कूदेगा, थिंकिंग यू टू बी अ रॉक, तुमको भी एक चट्टान ही सोचेगा, थिंकिंग यानी सोचेगा, ठीक है, सोचना. यू कैन कैच हिम ईजली देन, तब तुम उसको आसानी से पकड़ पाओगे. क्रोकोडाइल कहता है, व्हाट एन आइडिया, वाह क्या उपाय है. आई विल गेट हिम टुमोरो फॉर श्योर, कल मैं उसको जरूर पकड़ के लाऊंगा. दैट द क्रोकोडाइल विथ जॉय, हो गया यहाँ पे,
जॉय यानी खुशी से, तो क्रोकोडाइल खुशी से ये बात कहता है। ठीक है, आइए ये पार्ट वन कंप्लीट हुआ, अब हम लोग जरा सा क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो हम लोग इसको कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला प्रश्न जो है वो देखिए आप लोग, एक्टिविटी वन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द मंकी, वेयर डिड द मंकी लिव, वेयर यानी कहाँ। ठीक है, मंकी जो था वो कहाँ रहता था। ठीक है, तो आंसर होगा ए नंबर का, द मंकी लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, बैंक ऑफ ए रिवर। ठीक है, बी नंबर देखिए क्वेश्चन, व्हाई वाज देयर नो डेंजर फॉर द मंकी ऑन द रिवर आइलैंड। वो जो आइलैंड था वहां पर मंकी के लिए कोई भी खतरा क्यों नहीं था। ठीक है, आंसर है, आंसर लिखेंगे हम लोग, देयर वॉज नो डेंजर फॉर द मंकी, फॉर द मंकी इन द रिवर आइलैंड, there was hardly any animal there, क्योंकि वहां पर, एक सेकेंड, क्योंकि वहां पर कोई भी जानवर जो था वो था नहीं, इसीलिए बंदर के लिए वहां पर कोई भी खतरा नहीं था। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वॉट वॉज सो अट्रैक्टिव टू द मंकी, मंकी के लिए क्या चीज जो था वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव था, क्या चीज देखकर वो आइलैंड पे पहुंच जाता था। देखिए, वो जो डिलीशियस फ्रूट्स थे, ठीक है, रसदार डिलीशियस फ्रूट थे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे, इसीलिए उसी को खाने के लिए बंदर पहुंचता था ना। डिलीशियस फ्रूट्स वॉज, FRUITS फ्रूट्स वॉज अट्रैक्टिव टू द मंकी। तो सी नंबर क्वेश्चन भी हो गया, आइए डी नंबर देखते हैं। ओके, डी नंबर क्वेश्चन है, ये हो गया डी, वेयर डिड द क्रोकोडाइल लिव, क्रोकोडाइल कहाँ रहता था। ठीक है, डी नंबर आंसर लिखते हैं, द क्रोकोडाइल, द क्रोकोडाइल लिव्ड विथ, लिव्ड विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ रहता था ना, हिज वाइफ ऑन द फार, FAR बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन देखिए, डी कंप्लीट, ई नंबर,
हु गेव एडवाइस टू द क्रोकोडाइल अबाउट कैचिंग द मंकी, किसने जो है वो क्रोकोडाइल को एडवाइस दिया, एडवाइस यानी सलाह, किसने जो है वो क्रोकोडाइल को सलाह दिया कि जाओ जाकर मंकी को पकड़ो, ठीक है, तो कौन उसको सलाह देता है, उसकी जो पत्नी रहती है वही सलाह देती है ना, वही ना बोलती है कि मंकी को पकड़ के ले आओ, ठीक है, तो डी नंबर का आंसर लिख लेते हैं हम लोग जरा, डी नंबर का आंसर द वाइफ ऑफ द क्रोकोडाइल एडवाइस्ड एडवाइस्ड द क्रोकोडाइल अबाउट कैचिंग द मंकी, ठीक है, उसकी पत्नी ने जो है वो उसको एडवाइस दिया था पकड़ने के लिए, ठीक है, बंदर को पकड़ने के लिए। अब हम लोग इसका जो एक्टिविटी वन तो कंप्लीट हो गया, एक्टिविटी टू देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक्टिविटी टू में क्या कह रहा है कि लेट्स टेक वर्ड फ्रॉम द कलर्ड बॉक्स एंड फिलिंग द बैंक्स। यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिया गया है इसमें फिल करना है, जो जहां पर सुटेबल बैठे उसके हिसाब से फिल करना है। तो पहला देखते हैं ए नंबर, द ट्रीज ऑन द आइलैंड हैड, जो आइलैंड पे फल थे पेड़ थे उस पर क्या था, फ्रूट्स थे, कैसे फ्रूट्स थे देखते हैं, टेस्टी, ठीक है ना, बहुत ही टेस्टी फ्रूट्स थे, ठीक है। बी नंबर, द मंकी फाउंड दैट क्रॉसिंग द रिवर वॉज नॉट वेरी, मंकी को क्या पता चला कि जो रिवर को क्रॉस करना है वो बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा डिफिकल्ट, डी आई डबल एफ आई टी यू एल टी, डिफिकल्ट नहीं है। तीन नंबर देखिए, द क्रोकोडाइल मेड मेनी, क्रोकोडाइल ने बनाया क्या चीज बनाया, टू कैच द मंकी, बंदर को पकड़ने के लिए क्रोकोडाइल ने क्या बनाया, बहुत सारे प्लांट्स बनाए थे, है ना, उसको कैसे पकड़ा जाए, डी नंबर देखिए, द क्रोकोडाइल वुड लाई, क्रोकोडाइल जो है वो सो गया, ठीक है, कैसे सो गया था, एकदम स्टिल सो गया था, बिना हिले डुले, ऑन द रॉक, रॉक के ऊपर। और ई नंबर देखो, द वाइफ ऑफ क्रोकोडाइल विश टू टेस्ट द, क्रोकोडाइल की जो पत्नी है उसने क्या इच्छा जाहिर की, मंकी के जो है वो फ्लैश को खाने की, यानी मंकी के मांस को खाने की इच्छा उसने प्रकट की थी, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। आइए एक्टिविटी थ्री देखते हैं, ओके, एक्टिविटी थ्री जो है उसमें क्या कह रहा है देखिए, कि लेट्स मैच द वर्ड कॉलम ए विथ मीनिंग ऑफ कॉलम बी, यानी यहाँ पर जो कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसका जो है सेम मीनिंग कॉलम बी में दिया गया है, तो उसके साथ हमको क्या मैच करना है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वर्ड है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षणीय, ठीक है, अट्रैक्टिव का क्या मतलब होता है, आकर्षक, ठीक है, यही सेम मीनिंग का वर्ड कौन सा है, इसी सेम वर्ड मीनिंग का वर्ड है हमारा चार्मिंग, क्योंकि चार्मिंग का मतलब भी क्या होता है, आकर्षक होता है। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी इसके जैसा कोई दूसरा ना होना, ठीक है, अद्वितीय, अद्वितीय यानी जैसा है उसके जैसा दूसरा ना होना, इसका क्या होगा, वन इट्स ओन काइंड, अपने तरह का ही होना। आइलैंड मतलब तो आपको पता ही है, द्वीप, तो इसमें देखिए अ पीस ऑफ लैंड, ये वाला अ पीस ऑफ लैंड विथ वाटर ऑन ऑल साइड, जिसके चारों तरफ पानी हो, ठीक है। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट,
स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का क्या होगा तो तुम्हारा ये वाला माउथ वाटरिंग, और स्टिल माने बिना हिले डुले, तो स्टिल का क्या हो जाएगा नॉट मूविंग एट ऑल। ये तो मैंने इस तरह मैचिंग कर दिया, मैं इसका नंबरिंग भी डाल देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाए, ठीक है। ए बी सी डी ई इसका मैचिंग करेंगे तो ए का मैचिंग क्या होगा, ए का मैचिंग यहाँ पर होगा आपका ए नंबर, ये बी नंबर क्या होगा ऑन इट्स ओन काइंड, सी नंबर टापू ये वाला हो जाएगा, डी नंबर क्या होगा डिलीशियस यानी कि माउथ वाटरिंग, और ई नंबर स्टिल, हाँ ठीक है। तो आपके लिए बेटर ये होगा बच्चों कि आप इस तरीके से ये ऐसा लाइन वाला मैचिंग नहीं करके ये नंबरिंग वाला करें, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होता है, इससे कॉपी साफ सुथरी रहती है और चीज़ें सही तरीके से समझ में आती हैं। ओके ये वाला कीजिएगा। इसी के साथ ये हमारा जो पार्ट वन है ये ख़त्म हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का जो पार्ट टू है यानी कि जो बचा हुआ रह गया है वो वाला पार्ट करेंगे। ओके तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, ठीक है। ओके थैंक यू।